नमस्कार दोस्तों, मैं रात में स्वागत हूँ आपका जेटे के नाथ पे। और आज पे हम बात करेंगे पिटगट कॉइन के बारे में। कैसे पिटगट कॉइन की इनकी ब्राइस पॉइंट की कुछ बहुत अच्छे बहुत बड़े अपडेट्स मिले, जिसमें अपडेट में कॉइन है कि पिटगट कॉइन ऑफिशियल जो अपडेट दिया उसमें उसने ये बताया कि ये आने वाले समय क्या क्या करने वाले हैं। यानी कि लोग ऐसे बिना कुछ बोले जाए सरप्राइज करें, एक तरीके से देख कुछ भी करते, चाहे वो लिस्टिंग की या फिर कोई भी न्यूज़ सीधा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर पिटगट कॉइन ने अपने आने वाले समय का पूरी प्लानिंग हम लोग को शेयर कर दिया अपने ट्विटर पर। तो आज आप लोग को वही बताने वाला हूँ कि उन्होंने यहाँ पर क्या 6-7 की 8-10 चीज़ इन्होंने यहाँ पर सेंड किया, कि आने से हमें करने वाले हैं वो सब क्या है वो आप लोग इसी वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग को हर एक पॉइंट हर एक चीज़ जाने, तो हम लोग इस वीडियो में आंसर कि आप स्किप के तो ये हर एक अपडेट आप लोग को पता चल जाए। और साथ में चाहे पहले सब्सक्राइब कर लें, बैंक पे सेट कर लें, तो ये हर एक अपडेट जो बिटकॉइन कॉइन के आने से मांगी वो सब आप लोग को मिलती जाए। साथ में से बहुत सारे मीम कॉइन्स है, एल्ट कॉइन्स है, जिनमें बहुत सारे कॉइन्स हैं उनके जो भी अपडेट आएगी वो सब आप लोग को मिलती रहे। तो मैं स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग बिटकॉइन कॉइन का प्राइस देखते हैं। बिटकॉइन प्राइस अभी चल रहा है 0.00005839 का, और आज के डेट में 0.18% की डंपिंग है कि हम लोगों को ना ही आज के डेट में कोई पंपिंग या फिर डंपिंग इस कॉइन में मिली है। अगर बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो 24 आवर्स में इस कॉइन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 13.21% हम लोग को डाउन में जाते हुए नजर आ रहा है। यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी कोई पंपिंग हम लोग को नहीं मिला। आप लोग को पता ही होगा जब भी कोई भी न्यूज़ अभी कोई अपडेट भेजता है तो आप उस टाइम पर कॉइन था तो डाउन ही जाते रहता है। लेकिन ज़्यादातर लोग उस न्यूज़ के बारे में जानते हैं या फिर जब बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तभी कॉइन हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर आप बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो कुछ ठीक ठाक ही चल रही है। नीचे कौन पंप एंड डंप लगातार करते ही जा रहा है। इस दिन आज का जो हाई लगाया था ठीक ठाक ही था, जो कि हम लोग का है 0.00059 का, और 5 पर चढ़ा है, नीचे तक भी गया था लेकिन फिर अभी को रिकवर करते नजर 5-7 तक की कॉइन किया हुआ है। चलिए मैं आज जाता हूँ उसकी ट्विटर पर जानते हैं जो भी अपडेट आई बिटगेट कॉइन को उसके बारे में। अगर बात करें फॉलोअर्स की, तो 190.8 के इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं। और कुछ ही देर अगर मैं पहले की बात करूँ तो इसके फॉलोअर्स सिर्फ 188 के, मैं आप लोग हर वीडियो में दिखाता भी था। यानी अभी अचानक से 2003 की 1-2000 सब्सक्राइब बढ़े बहुत जल्द। फिर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं हम लोग को जो सबसे पहले अपडेट यहाँ पे मिदास एनएफटी को पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसमें यहाँ पे बताया गया बर्न बाय द एनएफटी का जो प्रीसेल था यहाँ पे ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। थैंक यू उन्होंने कहा था जिन लोगों को पार्टिसिपेट किया, और टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग को ये 15 ट्रिलियन ब्राइस टोकन की गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप हम लोग को कंट्रीब्यूट होते हुए बर्न ब्राइस टोकन नजर आएंगे। बर्न ब्राइस एक तरीका एनएफटी है जिसको आप जब भी आप बाय करेंगे सेल करेंगे तो हर ट्रांजेक्शन में इक्वल यहाँ पे क्वांटिटी में जो यहाँ पे बिटगेट कॉइन हम लोग के बर्न होते जाएंगे। अब यहाँ पे जो अपडेट इस वीडियो में आप लोग को देना है वो आप लोग देख सकते हैं वीकली अपडेट, यानी कि वीकली अपडेट उन्होंने यहाँ पे दिया व्हाट्स कमिंग एयर एंड प्रोग्रेस, यानी कि क्या आने वाले समय होने वाला और क्या अभी प्रोग्रेस में चल रहा है वो उन्होंने यहाँ पे बताया। वीकली एंड के भी जो हम लोग 6-7 इन्होंने ऐसी चीज़ बताई है जो कि अभी वीकली अपडेट है 11 सितंबर 2022 की आज का। सबसे नंबर वन पर हम लोग को देखने को मिल जाता है मल्टीपल टायर 2-3 एक्सचेंजेस लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन। आप लोग यहाँ पे देखिएगा टायर एक्सचेंज के बारे में लोग जानेंगे कोई बड़ा एक्सचेंज वहाँ पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है जो है 2-3 एक्सचेंजेस पे, और उसकी जो एग्रीमेंट है वो है साइन भी कर दी गई है। एग्रीमेंट साइन कर दे तो बहुत सारी लिस्टिंग भी न्यूज़ हम लोग को मिल जाएगी। इनकी एग्रीमेंट साइन होगी तो ये तो कंफर्म हो गया है कि लिस्टिंग इसकी होगी होगी, लेकिन कब होगी कौन से डेट को वो भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च नहीं किया है। लेकिन 2-3 टायर एक्सचेंजेस पर उसकी लिस्टिंग होगी बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे, तो गाइस हम लोग को जो कॉइन है बिटगेट कॉइन बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। सेकंड की बात कर लेते हैं, और जैसे ब्रांच टेकिंग ऑन बिटगेट चेन गो टू लाइव इन नेक्स्ट 7 डेज। इनका ये कहने का मतलब है कि जो ब्रांच टोकन का जो स्टेकिंग था बिटगेट चेन पे लाइव होने वाला था, और वो भी यहाँ पे 7 दिन के अंदर कि अगले 1 हफ्ते के अंदर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आप देखें तो 18 तारीख तक ये हम लोग को होते हुए नजर आ जाएगा ब्रांच का स्टेकिंग बिटगेट चेन पे लाइव हो जाएगा। चलिए आगे बताए टायर 1 एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन इंटीग्रेशन अंडर प्रोसेस, यानी कि जो 2-3 एक्सचेंजेस होने वाले 2-3 टायर एक्सचेंजेस पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है वो जो कि साइन भी हो चुकी है। और उसमें आप लोग इन्होंने तीसरे में ये बताया कि टायर 1 एक्सचेंजेस पर जो इसकी लिस्टिंग होने वाली जिसका एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो चुका वो भी यहाँ पर अंडर प्रोसेस की इंटीग्रेशन के प्रोसेस में भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सचेंज वेब वर्जन टू बी मेड लाइव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों के अंदर में एक्सचेंज का जो वेब वर्जन है वो भी यहाँ पर लाइव हो जाएगा। चलिए पांचवी की बात कर लेते हैं अपग्रेडिंग ब्लॉकचेन नोड्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि आप जो अपग्रेड करेंगे अपने ब्लॉकचेन नोड्स को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अच्छे यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं पे ब्राइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कंप्लीटेड वी आर वर्किंग ऑन फ्रंट एंड, यानी पे ब्राइज जो कि इन्होंने यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही अनाउंसमेंट की थी पे ब्राइज जो कि बहुत बड़ा यूजेस इन्होंने निकाला था बिटगेट कॉइन का। यानी बिटगेट कॉइन का बहुत बड़ा यूजेस इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं पे ब्राइज टोकन को, यानी कि पे ब्राइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को निकाल के, और यहाँ पे ब्राइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलपमेंट यानी कि पूरे कंप्लीट कर देंगे वो भी कुछ नहीं होंगे अभी फ्रंट एंड के वर्किंग में चल रहा है बहुत जल्दी हो भी जाएगा।
बढ़ते बिटगेट चेन इंटीग्रेशन ऑन बिटकीप कम्प्लीटेड। बिटकीप पे जो बिटगेट चेन इंटीग्रेट होने वाला था वो भी यहाँ पे कम्प्लीटेड हो जाएगा। बाकी आप लोग आए उससे अपडेट थी जो कि हुई है यहाँ क्या हो रही आप संबंध जो कमिंग हो रही है कि जो आ रही है फिर प्रोग्रेस में चल रही है सात चीज़ें और सात चीज़ों को उन्होंने आप कंफर्म कर देगा। अगर उन्होंने लिख दे दिया है तो ये करके ही दिखाएंगे क्योंकि लविंग वाले जैसे नेहरू जी ने बोला कि हम यहाँ पे आज लिस्ट कर देंगे 8 सितंबर को, लेकिन कोई एक्सचेंज की लिस्टिंग ही नहीं मिली और आराम से मैं बता भी नहीं रही कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी अगली वीडियो में जानेंगे जो भी लवलीनों का वीडियो होगा उसके बारे में, बिल्डर कौन की बात हो रही है, बिटकॉइन कौन आज तक जो भी किया है जो भी इन्होंने बताया वो सब करके दिखाया। और सोच रहे हैं कि बायबिट एक्सचेंज की इन्होंने कहा था लिस्टिंग होगी पर हुई नहीं, बस वो क्या बायबिट के कारण हुई थी लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंफर्म नहीं कहा था कि हाँ हम लिस्ट होंगे ही बायबिट पे। इन्होंने कहा था कि हम लोग को वोट्स मिलते हैं तो हम लिस्ट हो पाएंगे, वोट्स क्यों नहीं मिल पाए जाते हैं कि यहाँ पे वीवी जीता है, लेकिन तब भी हम लोग आए हैं समय में अभी यहाँ पे बायबिट्स के कारण बिटकॉइन कौन हारिया। लेकिन जब इसके पोटेंशियल को लेकर के इसकी फंडामेंटल्स को लेकर जाएगा लिस्टिंग की बात होगी तो बिटकॉइन कौन ही विन होगा। कुछ बात कुछ अपडेट मुझे हर एक चीज समझ आएगा और साथ ही में अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर ले बैंक पर सेट कर ले तो हर एक अपडेट जो आने से मैं वो सब भी आप लोग को मिलती रहे। तो वीडियो जय हिंद जय भारत।